वाराणसी दोनों जगहों का दौरा होगा। 12:30 बजे चंदौली जाएंगे अखिलेश यादव, पीड़ित परिजनों से करेंगे मुलाकात। यहां पर शोक संतप्त परिजनों से संवेदना व्यक्त करेंगे। चंदौली के बाद वाराणसी भी जाना है अखिलेश यादव को। वाराणसी जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात अखिलेश यादव की होगी। हमारे दो संवाददाता भी इसी पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा भी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ रोहित भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सीमा, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि चंदौली का दौरा भी रहेगा आज अखिलेश यादव का। आज पीड़ित परिजनों से मुलाकात होगी, क्या कुछ यहाँ पर तैयारी इस मुलाकात की हो रही है? देखिए, चुनाव के बाद अखिलेश यादव लगातार सक्रिय हैं, वो घर पे नहीं बैठे हैं, वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और जहां पे कोई घटनाएं होती हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के क्रम में आज वो दोपहर को यहां से निकलेंगे और सीधे चंदौली जाएंगे, वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, जिसको जो है वो पुलिस ने पीट पीट के जो है वो मार डाला था, इस तरह का आरोप लगा था। अब फिर उसके बाद यहाँ से वाराणसी जाएंगे चंदौली से निकल कर, वहाँ पर जेल में बंद जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन लोगों से मुलाकात करेंगे। तो कुल मिला के लगातार अखिलेश यादव का दौरा चल रहा है, वो जिलों जिलों में जा रहे हैं, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि जाहिर है कि वो 2022 के चुनाव के बाद 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं और इसलिए वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2024 की तैयारियां भी इसको कह सकते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मजबूत विपक्ष बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है वो भी अपना काम लगातार कर रही है शिवांगी। ठीक है, और मैं चलूंगी वाराणसी रोहित के पास। रोहित, वाराणसी भी पहुंचना है आज अखिलेश यादव को, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी जो जेल में बंद हैं, कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे अखिलेश? होने जा रही थी काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर जो उन्होंने हंगामा किया था उसके कारण ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की, इससे पहले इनके प्रतिनिधि मंडल को भी भेजा गया था लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो आज अखिलेश यादव पहले चंदौली जाएंगे, 12:30 बजे वाराणसी आना, यहाँ से फिर चंदौली जाएंगे, फिर चंदौली से लौटते समय उनका यहाँ मिलने का कार्यक्रम है। लगभग 3 बज जाएगा यहाँ पे अखिलेश यादव को, उसके बाद फिर यहाँ से वापस लखनऊ के लिए रवाना। ठीक है, और अब एक बार फिर से सीमा का रुख कर लेती हूँ। सीमा, चंदौली मामले में लगातार बयानबाजियां हुई अखिलेश यादव की तरफ से भी, आज जब पीड़िता से मुलाकात होगी तो क्या आश्वासन, क्या सोच समझकर किस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और इसी के साथ क्या कोई और भी उनके साथ जा रहा है क्या, सिर्फ अखिलेश यादव पहुंचेंगे? देखिए, जो चंदौली के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो भी अखिलेश यादव के साथ वहां पर मौजूद होंगे। अखिलेश यादव इस तरह के मुद्दों को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं जो कि सरकार के विरोध में होते हैं और जिसमें सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आती है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष बनकर उभरी भी है विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं कि जिससे जो है वो सत्ता पक्ष को लाभ मिल सके कहीं भी, चाहे वो जहां का मुद्दा हो। अगर कहीं पे भी मर्डर होता है या कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसको लेकर भी वो लगातार प्रयास सवाल जवाब कर रहे हैं सरकार से और वहां पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वहां पे पीड़ित जनों से वो मुलाकात करेंगे, क्या कुछ आश्वासन देंगे, क्या आर्थिक मदद देंगे, क्या सहायता पहुंचाने का काम करेंगे, ये वहीं पहुंचकर अखिलेश यादव ऐलान करने वाले हैं। बहरहाल कार्यकर्ताओं में जोश उसी तरह से बरकरार है। सीमा, रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।